हे नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में कि आप इसको कैसे इंस्टॉल करवा सकते हैं या कुछ भी। तो सबसे पहले आप माई जियो एप्लीकेशन में जाके वो बुकिंग कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एक बंदा आएगा जो कि आपसे आपका आधार कार्ड वगैरह लेके बुकिंग वगैरह कर देगा। 1500 रुपये वो ऑनलाइन पेमेंट का लिंक भेजेगा आपको, कर देना। उसके बाद आपके घर के बगल में देखना, ये वाले पॉल पे ये वाला बॉक्स अगर होगा, उसी बॉक्स से कनेक्शन हमारे घर तक आता है। तो इस बॉक्स में ये फाइबर वाली केबल वो भैया कनेक्ट कर देंगे जो आएंगे। इंजीनियर भैया से आते हैं, दो बंदे आते हैं जो कि एक इंजीनियर वगैरह होता है और एक उनका स्टाफ वगैरह जो भी हो, वो बस कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से केबल लेके आपके रूम तक जाया जाएगी। जब केबल आपके रूम पहुँच जाएगी तो वहाँ पे आपको ये एक मशीन रहता है इन लोगों के पास, ये देखिए बहुत ही पतली सी वायर होती है एक तो फाइबर की, वो वाली फाइबर की वायर निकाल के ये उस मशीन जो आप सामने देख रहे हैं, ये छोटी सी मशीन अभी उसमें भी लगाएंगे। इस मशीन से वो वायर को कुछ करते हैं कनेक्ट उससे एक अलग वाले वायर में, उसमें कनेक्ट करने के बाद ये लोग आपके राउटर से कनेक्ट कर देते हैं उसे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये एक 1500 रुपये लेते हैं पहले, वो जो कि डिपॉजिट होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आप देते हैं। तो ये डब्बे देते हैं, इस डब्बे में आपको एक जियो का सेटअप बॉक्स तो नहीं है, ये एक वाईफाई राउटर मिल जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको एक बुकलेट मिल जाएगी, आप ऊपर फोटो में भी देख सकते होंगे। उसके अलावा एक HDMI केबल और एक दो तीन केबल और होती है, एक लैन केबल भी होता है। ये तो राउटर पे लगने के लिए होता है, लैन केबल वगैरह आपको जैसे यूज करना है आप कर सकते हैं। तो अब मेनली इनके प्लान के बारे में बात करें, आप 1500 रुपये में फर्स्ट मंथ फ्री रहता है, 150 MBPS वाला प्लान रहता है, 150 MBPS वाला, क्योंकि आपको स्पीड भी आगे दिख जाएगी क्या आती है। तो अगर लेकिन एक कंडीशन है, यदि आप एक महीने के अंदर अपना प्लान वापस करते हैं यानी कि बिना कनेक्शन पूरा का पूरा सरेंडर करते हैं तो आपको 1500 का 1500 वापस मिलेगा। यदि एक महीने के बाद आप करते हैं तो आपको 500 रुपये से 50 GB वापस मिलेगा, बाद बाकी नहीं मिलेंगे। और फर्स्ट मंथ फ्री है ऐसे ही, उसके अलावा आपको 1000 रुपये देने ही होते हैं एक तरह। आप डाउनलोडिंग स्पीड देख सकते हो 142-143 MBPS आती है और अपलोडिंग भी सेम ही रहती है 143-145। तो मेन और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो का वेट करें, उसमें आपको सही से दिखाएंगे गेम वगैरह डाउनलोड करके कि कितना समय लगता है फाइल डाउनलोड अपलोड करके। थैंक यू।